हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग डिटरमिनर्स। पिछले क्लास में हमने सम और एनी का यूज पढ़ा था बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी यूज ऑफ लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल। ध्यान से देखो बेटा, ऑल ऑफ दीज आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, बेटा लिटिल अ लिटिल द लिटिल, दीज डिटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। पहली बात, इनका यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं आप भी, संख्या के आधार पर नाउन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल जिन्हें गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल जिन्हें नहीं गिना जा सकता। अच्छा बेटा, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखें। वर्ड है लिटिल, लिटिल मीन्स होता है हार्डली एनी, मुश्किल से कोई, और नॉट मच, अधिक नहीं। आए बेटा, अ लिटिल का मीनिंग होता है सम क्वांटिटी, दो नॉट मच, मतलब अधिक नहीं है, यद्यपि अधिक नहीं है फिर भी कुछ क्वांटिटी। और द लिटिल का मीनिंग होता है नॉट मच, अधिक नहीं, बट ऑल इट इज, लेकिन जितना है सारा का सारा। अब देखो, तीनों के वर्ड मीनिंग में डिफरेंस आ रहा है। हार्डली एनी, मुश्किल से कोई, अधिक नहीं, और लिटिल, इससे थोड़ी सी अधिक क्वांटिटी होगी। सम क्वांटिटी, दो नॉट मच, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ क्वांटिटी है। लेकिन द लिटिल इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है, नॉट मच, ज्यादा नहीं है लेकिन जितना है सारा का सारा। अब इसमें जहां पर इतना है सारा का सारा मीनिंग आता है तो वी शुड यूज द लिटिल। बेटा और इनमें डिफरेंस है कि इट गिव्स अस नेगेटिव मीनिंग। जो लिटिल वर्ड है ये हमें नेगेटिव मीनिंग देता है। A little gives us positive meaning. भी काम इसमें हो रहा होता है, इट इज ऑल्सो गिव अस पॉजिटिव मीनिंग। A little, the little हमें पॉजिटिव मीनिंग देते हैं जबकि लिटिल हमें नेगेटिव मीनिंग देता है। हमें इसकी यूज करने से पहले इनमें डिफरेंस समझ लेना चाहिए कि भाई लिटिल का मीनिंग है हार्डली एनी और नॉट मच, और ये हमें नेगेटिव मीनिंग देता है। अ लिटिल का मतलब है सम क्वांटिटी, दो नॉट मच, हालांकि ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ मात्रा है, तो वी शुड यूज अ लिटिल, इट गिव्स अस पॉजिटिव मीनिंग। इन द केस इफ द क्वांटिटी इज नॉट मच बट ऑल इट इज, यानी कि जितनी भी क्वांटिटी है उस सब का यूज किया गया है,
इट गिव्स अस पॉजिटिव मीनिंग, ये हमें पॉजिटिव मीनिंग भी देता है, देन वी शुड यूज द लिटिल। अब एग्जाम्पल से इसे बिल्कुल क्लियर समझें कि भाई इन तीनों का यूज हम किस तरीके से करेंगे। बेटा पीडीएफ दे दी गई है, ये सब कुछ उसमें नोट किया गया है सिस्टमेटिक तरीके से, तो ध्यान से आप इसे समझें। अब जैसे देखो बेटा, आई हैव लिटिल मनी, मनी अनकाउंटेबल है, इसकी शर्त होती है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जिसे गिना नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे मनी को गिना जा सकता है, रुपीज को, डॉलर को, इनको गिना जा सकता है। मनी केवल रुपी और डॉलर नहीं है भाई, गोल्ड है, सिल्वर है, ये भी मनी है, डायमंड है, ये भी मनी है, तो मनी वर्ड आएगा तो अनकाउंटेबल होगा। आई हैव लिटिल मनी, इसका मतलब है कि उसके पास पैसा नहीं है, है तो बहुत कम है, इतना कम है दैट कैन नॉट बी यूज्ड। तो इससे आगे ये भी आगे लिखा जा सकता है, जैसे आई कांट, काम नहीं हो सकता, ये आएगा, आई कांट बाय अ ड्रेस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कोई ड्रेस नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता है, ड्रेस खरीदने के लिए नहीं है, बहुत कम है, न के बराबर है। अब देखो इसी केस में आई हैव अ लिटिल मनी, यही वर्ड आ जाता है कि मेरे पास, अब इसमें अ लिटिल मीन्स सम क्वांटिटी है, यानी कि जो आवश्यकता है उसके अनुसार, उससे ज्यादा नहीं है लेकिन काम किया जा सकता है। अब यही आ सकता है कि आई कैन बाय ओनली अ ड्रेस फॉर यू, ये कह रहा है कि भाई मैं केवल तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीद सकता हूं, इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ये कहना चाह रहा है। तो लेकिन काम हो रहा है, इट गिव्स अस अ लिटिल वर्ड डिटरमिनर, इट गिव्स अस पॉजिटिव मीनिंग, बट लिटिल वर्ड गिव्स अस नेगेटिव मीनिंग। अब केस आता है किसका, द लिटिल का, आई हैव वेस्टेड द लिटिल मनी यू गेव मी, कि जो कुछ भी तुमने थोड़ा बहुत मुझे मनी दिया था, मैंने उसे वेस्ट कर दिया है। अब यहां पर जो क्वांटिटी इस नाउन की बताई गई है, उस सारे के साथ कुछ हो गया है, क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है, कि जो भी तुमने दिया था वो सारा धन वेस्ट हो गया है। तीनों को एग्जाम्पल से बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर बैठा लेना चाहिए। अब देखो और नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज लिटिल मिल्क, शी कांट मेक अ कप ऑफ टी, भाई एक कप ऑफ टी भी नहीं बना सकती है, तो इसका मतलब उसके पास मिल्क नहीं है। अगर ये आता है कि शी हैज अ लिटिल मिल्क, कि उसके पास थोड़ा सा मिल्क है, अब इससे जो ज्यादा क्वांटिटी होगी तो यहां पॉजिटिव मीनिंग देगा, शी कैन मेक ओनली अ कप ऑफ टी। समझ में आया बेटा, यहां पर लिटिल हमें एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है कि काम नहीं चल रहा है, जितनी जरूरत है उससे बहुत कम है, कम है लेकिन जरूरत को पूरा किया जा सकता है,
तो वी शुड यूज अ लिटिल. द लिटिल का केस तो बिल्कुल ही डिफरेंट है कि शी हैज द लिटिल शी हैज यूज्ड द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द पॉट. कि जो भी मिल्क पॉट में था उसने वो सारा यूज कर लिया है. She has used the little milk that was in the pot. कि जितना भी मिल्क था उसने सारा का सारा यूज कर लिया है. Not much, but all it is. एक और एग्जाम्पल देते हैं बेटा. There is little petrol in the car. You can't reach the station. वो स्टेशन पहुंच ही नहीं सकता, जरूरत को पूरा कर ही नहीं सकता. तो वी शुड यूज लिटिल. अब यही एग्जाम्पल इस तरीके से हो, देयर इज अ लिटिल पेट्रोल इन द कार, यू कैन रीच एट द स्टेशन. कि तुम स्टेशन पर पहुंच सकते हो, लौटने की कोई गारंटी नहीं. मतलब पहुंचना जरूरी है, उसके लिए काम चला रहा है. तो यहां पर लिटिल का यूज कर दिया गया है. अब बेटा आगे इससे द लिटिल का यूज करना है. तो देयर इज द लिटिल पेट्रोल इन द कार, यू बॉट यस्टरडे. वो थोड़ा सा पेट्रोल ही कार में है जो कल तुमने खरीदा था. अब डैम नेक्स्ट पढ़ेंगे इससे आगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली डिफरेंस बिटवीन लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल. अब बेटा अब यहां हम पढ़ेंगे फ्यू A few, the few. भाई इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, these determiners are used before प्लूरल काउंटेबल नाउन. बेटा वो लिटिल अ लिटिल द लिटिल का यूज होता था सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले. फ्यू अ फ्यू द फ्यू इज यूज्ड. फ्यू द फ्यू, फ्यू अ फ्यू और द फ्यू. These determiners are used before plural countable noun.
ऐसे नाउन जिन्हें गिना जा सकता है और उनकी नंबर भी प्लूरल में होना चाहिए। अब बेटा देखो, फ्यू मीन्स होता है हार्डली एनी और नॉट मैनी, अधिक नहीं है। अच्छा, अ फ्यू का मीनिंग होता है सम दो नॉट मैनी, यानी कुछ कुछ नंबर लेकिन अधिक नहीं। द फ्यू मीन्स होता है नॉट मैनी, अधिक नहीं, बट ऑल देयर आर, लेकिन जितने भी हैं सारे के सारे। अब बेटा इट गिव्स अस, यानी फ्यू वर्ड गिव्स अस नेगेटिव मीनिंग है। अ फ्यू गिव्स अस पॉजिटिव मीनिंग, एंड द फ्यू ऑल्सो गिव्स अस पॉजिटिव मीनिंग। We should understand it in the way few means hardly any or not many, a few means some though not many, मुश्किल से कोई एक, अधिक नहीं, दोनों मतलब होते हैं। यहाँ some though not many, हालांकि अधिक नहीं है लेकिन कुछ मात्रा है, तो it gives us positive meaning। The few means not many, अधिक नहीं है, but all there are, लेकिन जितने हैं सारे के सारे, it also gives us positive meaning। अब बेटा ये इनका मीनिंग है और इनका यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। अब हमें इसे यूज करके समझ लेना चाहिए। जैसे शी हैज फ्यू टॉयज, शी कांट गिव यू एनी, यानी उसके पास बहुत कम खिलौने हैं, वो तुम्हें नहीं दे सकती। फ्यू का यूज है, शी हैज ओनली अ फ्यू टॉयज, उसके पास केवल कुछ एक खिलौने हैं, शी कैन गिव यू वन ऑफ देम, वो तुम्हें उनमें से एक दे सकती है। नेक्स्ट है शी हैज सोल्ड द few toys she had, कि जो भी उसके पास थोड़े बहुत खिलौने थे वो उन्हें बेच चुकी है, जो भी उसके पास थोड़े बहुत खिलौने थे वो उन्हें बेच चुकी है। she has few toys, इसका मतलब बहुत कम मात्रा थी। she can't give you any, वो तुम्हें कोई भी नहीं दे सकती। She has only a few toys, उसके पास कुछ एक हैं, some हैं, but not many, she can give you one of them। अब ये positive meaning दे रहा है तो a few, negative meaning दे रहा है तो few, लेकिन some, not many, but all there are, जैसे इसमें है she has sold the few toys she had, के जो कुछ भी उसके पास थोड़े बहुत खिलौने थे, toys थे, She has sold them, वो उन्हें बेच चुकी है। और बेटा एग्जाम्पल से और समझें।
आई हैव रेड फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, कि भाई मैं इंग्लिश ग्रामर में बहुत कम किताबें पढ़ चुका हूं। इसने कहा आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, इसका मतलब है कि मैंने कुछ किताबें इंग्लिश ग्रामर में पढ़ चुकी हैं, इसमें बहुत कम, इसमें कुछ। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स दैट यू गेव मी ऑन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पर जो तुमने मुझे कुछ एक किताबें दी थी मैं उन्हें पढ़ चुका हूं। तो जो दी थी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वो सारी की सारी पढ़ चुका है। इस तरीके से फ्यू अ फ्यू एंड द फ्यू डिटरमिनर्स गिव अस पॉजिटिव मीनिंग व्हाइल फ्यू गिव अस नेगेटिव मीनिंग। देखो और समझो, ही हैज फ्यू रुपीज, या रुपीज काउंटेबल है, फ्यू रुपीज। ही कांट बाय अ बुक फॉर यू, भाई वो तुम्हारे लिए बुक नहीं खरीद सकता। फ्यू बहुत कम है, जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है। वी शुड यूज फ्यू। ही हैज अ फ्यू रुपीज ही कैन बाय ओनली अ बुक फॉर यू, वो केवल तुम्हारे लिए एक किताब खरीद सकता है। अब यहां पर काम हो रहा है तो वी शुड यूज अ फ्यू बिकॉज इट गिव्स अस, हालांकि नंबर ज्यादा नहीं है लेकिन पॉजिटिव मीनिंग देता है। नॉट मैनी दो सम, दो नॉट मैनी। और थर्ड में है ही हैज स्पेंट द फ्यू रुपीज ही हैड, कि जो कुछ भी उसके पास थोड़े बहुत रुपए थे वो उन्हें खर्च कर चुका है। इस तरीके से बेटा हमें समझ लेना चाहिए कि हाउ कैन वी मेक डिफरेंस बिटवीन फ्यू अ फ्यू एंड अ फ्यू द फ्यू। वैसे ही लिटिल अ लिटिल द लिटिल, इनमें भी क्या डिफरेंस होता है, इन्हें किस स्थिति में यूज करना चाहिए। लिटिल अ लिटिल द लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। फ्यू अ फ्यू द फ्यू का यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। इनके अलग अलग डिफरेंस भी बताए हैं पीडीएफ में, सिस्टमेटिक तरीके से सारे रूल्स लिखे हुए हैं, पहले इसे समझें और फिर नोट करें। अगली क्लास में काम इससे आगे वाला भेज दिया जाएगा।